मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को सुप्रभात। ईश्वर से यही कामना है आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा अपने अपने कामों में व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने आ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक घर में चार प्राणी रहते थे, सास ससुर, बहू और बेटा। तो उनका जीवन बड़े आराम से सुख शांति से बीत रहा था। बहू आशा की चादी को 4 साल हो गए थे। 4 साल बाद अचानक उनकी सासू माँ को ख्याल आया कि घर संभालने के लिए तो बेटा मेरा अमित और बहू आशा है ही, क्यों ना मैं तीर्थ यात्रा करने चली आऊँ। उन्होंने अपने ससुर से बात की, आशा के ससुर से। उन्हें हाँ बड़ा नेक किया विचार है। बहू से सलाह ली गई। बहू ने, अरे माँ जी कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे आपके मन में संकल्प आए हैं, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल जाइए घर संभालने के लिए मैं हूँ ही। अब सास ससुर ने तीर्थ यात्रा पे जाने का प्रोग्राम बनाया कि काशी जाएंगे और वहाँ पर गंगा स्नान करके आएंगे। लेकिन उनके मन में विचार आया कि हम बेटा बहू को नहीं ले आएंगे, बेटा बहू घर में रहें। अब यहाँ बहू सोचे, न जाने मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए, कौन से ऐसे पाप किए जो मेरी सासू माँ मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रही हैं। तो वो अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी लगता है मेरा अशुभ समय चल रहा है, इसलिए गंगा जाना मेरे भाग में अभी लिखा ही नहीं है, आप तीर्थ यात्रा हो आइए। आप माँ जी बिल्कुल घर की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। अब आशा के सास ससुर चल दिए तीर्थ यात्रा में। वहाँ काशी पहुँचे। काशी पहुँचे जब उनकी सास गंगा जी में स्नान करने लगी, अचानक उनको ख्याल आया, अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, अलमारी में तो ताला लगाया ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो बहू सारा गहना जेवर चुरा ले, सब लेके भाग जाए। अभी 4 साल तो उसको आए हुआ है, कितना मैंने उसको परखा ही है। उसके मन में इस तरह के विचार आ रहे थे और इस तरह के उसके मन में संकल्प उठ रहे थे, विचार आ रहे थे, और वो गंगा स्नान कर रही थी। अचानक उनके हाथ की अंगूठी निकली और गंगा नदी में बह गई। अरे मेरी अंगूठी बह गई, हाँ अब क्या करें। बड़ी परेशान। उधर बहू ने सोचा कि मेरे भाग में गंगा जाना नहीं लिखा है तो क्या हुआ, मैं घर में ही गंगा समझ के नहा लूँगी। वो बड़ी सिलाई कठौती, कठौती क्या था, लकड़ी का बर्तन होता है, खूब बड़ा जैसे परात होती है, परात की तरह कठौती बनी थी लकड़ी की, उसमें उसने पानी भरा और उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दिया, घर में रखा था, और उसको गंगा जल समझ करके स्नान करने लगी। तो जैसे ही वो स्नान करने लगी उसके हाथ में आ गई अंगूठी। वो बड़ी परेशान बोली, अरे ये अंगूठी तो मम्मी जी पहन कर गई थी, ये यहाँ कैसे आई। चलो आई होगी, मुझे क्या करना, मम्मी की है, मम्मी जाने। और वो अंगूठी लेकर गई, अलमारी में रखाई और आराम से उसने खूब गंगा स्नान किया, हर हर गंगे कह करके घरी में उसने स्नान कर लिया। कुछ दिन बाद आशा के सास ससुर आए। आशा ने तुरंत जाकर उनके अपने आंचल से उनके पैर छुए और बिठाया कुर्सी पर। फिर भारतीय सभ्यता के अनुसार जैसा कि पहले होता था, परात में पानी भर कर लाई और पहले उसने अपने ससुर के पैर धोए, फिर अपनी सासू माँ के पैर धोए और कपड़े जिसको पोंछ कर माथे पर चढ़ा लिया। बोली, बैठिए माँ जी मैं भी आती हूँ। और फटाफट कुछ नाश्ता पानी लेकर आई,
वो ले लीजिए, आप लोग खाइए और पीजिए। आप बताइए माँ जी, आपकी यात्रा कैसी रही? सास बोली, बेटा और सब कुछ तो ठीक ही था, यात्रा ठीक ही रही, समय भी अच्छे से कट गया, लेकिन क्या बताऊँ, गंगा स्नान कर रही थी, नहाते समय मेरी अंगूठी जो थी वो निकल के हाथ से और गंगा जी में बह गई। अब बताओ, जब इतना नुकसान हो गया, सोने की अंगूठी बह गई, भला किसी का मन वहाँ लगेगा? तीर्थ यात्रा में लग सकता है, भगवान में लग सकता है, जब इतना नुकसान हुआ हो? बहू बोली, माँ जी एक मिनट, मैं भी आती हूँ। और जल्दी से गई, फटाक से अलमारी से अंगूठी निकाली, बोली, माँ जी देखो ये अंगूठी क्या? माँ बोली, अरे हाँ यही तो है, लेकिन तुम्हें पता ही कहाँ से? आश्चर्यचकित हो गई। अब बहू ने सारी बात बताना शुरू किया कि माँ जी मैं अपने आप को कोस रही थी कि मेरे तो भाग ही बुरे हैं, मेरा अशुभ समय चल रहा है, इसीलिए आप मुझे अपने साथ गंगा स्नान के लिए नहीं ले गई, और शायद गंगा स्नान मेरे भाग में था ही नहीं, तो माँ जी मैंने कठौती में पानी भरा और भरकर उसी को गंगा समझ करके स्नान करने लगी, और जैसे स्नान करने लगी मैया, मेरे हाथ में आपकी अंगूठी आ गई और मैंने इसे जाकर अपनी अलमारी में रख दिया। अब पता नहीं ये कहाँ से आ गई। सासू माँ बोली, बेटी मैं बताती हूँ तुम्हें ये कहाँ से आई। असल में जब मैं गंगा स्नान कर रही थी, कर तो रही थी मैं गंगा स्नान, बहुत ही उत्तम काम, लेकिन मेरे मन में बहुत खराब खराब संकल्प चल रहे थे। मैं सोच रही थी, मैंने अपनी बहू को परखा भी नहीं, हो कैसी है, 4 साल ही तो हुई अभी आए, कहीं मेरी बहू सारा गहना जेवर लेके भाग न जाए। तो बेटा मेरे मन में बुरे विचार आ रहे थे, तो उसका परिणाम क्या निकला, मेरी अंगूठी नदी में बह गई, क्योंकि मैं तो खराब सोच रही थी, और मेरी लाडली बहू, मेरी प्यारी बहू, तुम्हारे मन में तो बेटा घर में रहते हुए भी बहुत अच्छे अच्छे संकल्प चल रहे थे, तुम्हारा मन पवित्र है। कहते हैं ना बिटिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मेरी रानी बेटी इस तरह ही अंगूठी तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र था। अब उसका पति अमित बैठा सुन रहा था, ससुर सुन रहे थे, बहू मुस्कुरा रही थी, मेरी माँ जी कितनी अच्छी हैं, दिल की कितनी निर्मल है, जो कुछ उनके मन में आया इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी बहू को बुरा लगेगा, इन्होंने सब बता डाला, और बाकी लोग सोच रहे थे हम कितने खुश नसीब हैं, हमें इतनी अच्छी बहू मिली। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों से भी कोई बचा नहीं है। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, मोह भी हम में, और हम में अहंकार भी है, ये 5 विकार हमारे अंदर है। हम बेटा जहाँ कहीं बाहरी गंदगी देखते हैं, हम तुरंत क्या करते हैं, उसको साफ़ करने में जुट जाते हैं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं हमें गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कपड़ों की बात हो, घर की बात हो, सामान की बात हो, हम उसे तुरंत साफ़ करना चाहते हैं। लेकिन बेटा जो आज हमारे मन में ये 5 विकारों की गंदगी है कि हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उसको भगवान ने इतना क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, वो कार में चल रहा है, मैं साइकिल से चल रही हूँ तो मैं क्यों चल रही हूँ, मुझे हवाई जहाज मोड़ना है, हमारे अंदर संतोष नहीं है, हम जरा जरा सी बात में अहंकार कर उठते हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर बड़ा ज्ञान है, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, वो किस लायक है, वो तो मेरे पैर की धूल भी नहीं है। हम भूल जाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, कोई अच्छाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, उस परमपिता परमात्मा ने जो हमें ये रूप रंग दिया है, न जाने कब वो छीन ले, किस बात पे अहंकार करते हो, है ना। कहते कि क्षण भंगूरे जीवन की कलिका कल प्रात कुजा निखिली न खिली, और मलया चल की श्रुति शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, और कलिकाल कुठारे लिए फिर ततन नरम है चोट झली न झली,
और रटेले रटना हरि नाम सदा, यह अंत समय में हिली न हिली, रटेले रटना हरि नाम सदा, यह अंत समय में हिली न हिली। हम जो अपने ऊपर अहंकार करते हैं, अपने ऊपर गर्व करते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, मेरे प्यारे साथियों, अगले एक पल का भी भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए, वो कब राजा को रंक बना दे, कब रंक को राजा, कुछ नहीं पता। तो मेरे प्यारे साथियों, हम समाज में बाहर फैली हुई गंदगियों को देखते हैं, लेकिन जो गंदगी, जो विकार हमारे अंदर है, हम उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते। तो आज आवश्यकता है अपने मन को पवित्र करने की। यहाँ पवित्रता की बात हो रही है, हमारे संकल्पों में पवित्रता हो, हमारे विचारों में पवित्रता हो, पवित्रता तन की हो, मन की हो, विचारों की हो, तब कहीं जाकर काम बनेगा। कहते पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो नर तन मन से पवित्र है, वही चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय, सबको ओम शांति।